जय माता दी। आज वीडियो में धनतेरस की सरल पूजा विधि जानेंगे, जिसमें आरोग्य की देवता धन्वंतरी जी महाराज, कुबेर जी महाराज और मां लक्ष्मी श्री गणेश जी महाराज का पूजन शामिल है। इस पूजा को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है। सबसे पहले धन्वंतरी जी महाराज का कोई प्रतिमा फोटो मिल जाए तो वह ले लीजिए, नहीं तो मैंने देखिए धन्वंतरी जो कि श्रीहरि विष्णु के ही अवतार है, समुद्र मंथन से इनका जन्म हुआ था और सबसे बड़े वैद्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप चाहें तो श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से एक मौली में धन्वंतरी जी महाराज अगर पोस्टर फोटो ना मिल जाए तो उन्हें स्थापित कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी की इसकी इसमें प्रतिमा है, चांदी का सिक्का है और श्री गणेश जी महाराज है, तो आज इनका ही पूजन करेंगे। चावल का आसन देते हुए मैंने इन्हें विराजमान कर लिया है। साथ ही जो पोस्टर देख रहे हैं यह कुबेर जी महाराज का है, इसमें कुबेर यंत्र भी स्थापित है, जो मेरे घर पर इस तरह का पोस्टर है, तो उन्हें मैंने इस तरह से विराजमान कर लिया है। दाहिने तरफ मैंने एक जल का लोटा रख लिया है, अर्थात कलश के रूप में। आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं। एक जल का लोटा ले लीजिए, उसमें जो है गंगा जल और जल मिश्रित कर लीजिए और उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। चावल का आसन देते हुए एक जल का लोटा रख लीजिए। किसी भी पूजा में दीपक लगाया जाता है तो सबसे पहले दीपक लगा लेना है। उसके नीचे मैंने चावल का आसन देते हुए आज शुभता के रूप में स्वास्तिक बना लिया है। सबसे पहले पूजा होगी गणेश जी महाराज की, तो उनका पूजन कर लेंगे। उन्हें पहले स्नान का भाव कराते हुए जल छिड़क लेंगे सभी देवी देवता और बाजार से लाई हुई चीज़ों में, स्वयं के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। अब दीपक पर और कलश पर कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता सभी पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करेंगे। इस तरह से जो है साधारण सी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से धनतेरस के दिन यह पूजा अवश्य रूप में, संक्षिप्त रूप में करें, पर करिएगा जरूर। और साथ ही गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित कर देंगे। इस स्थान पर बाजार से लाई हुई चीज़ें जैसे कि झाड़ू का पूजन होता है वह रख दीजिए, बर्तन रख दीजिए या जो भी आप सामग्री लाए हैं यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। इस तरह से जो है अपने पितरों का, कुल देवी देवताओं का आवाहन भी सबसे पहले पूजा में करें कि हे प्रभु, आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ, मेरी पूजा में आइए। और उनका नाम लेते हुए आप कलश में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित कर दिया है और अग्निदेव जो कि दीपक के रूप में विराजमान है उनका भी जो है इस पर विराजमान कर लिया है, पूजन कर लेंगे। साथ ही सुपाड़ी इत्यादि समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा जो कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ साथ गणेश जी महाराज को समर्पित करेंगे। कुबेर जी महाराज को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और साथ ही धन्वंतरी देवता को भी यह चीज़ समर्पित करेंगे। इसके साथ ही धनिया आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा और धनतेरस की पूजा के दिन लाना बहुत शुभ होता है और इसका भोग जो है कुबेर जी महाराज और माँ लक्ष्मी और धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी को समर्पित करेंगे। आवश्यक रूप से रोग इत्यादि से परेशान रहते हैं तो जड़ी बूटी और जो दवाइयाँ आप खाते हैं वह धन्वंतरी जी महाराज के आगे समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, आज मेरे रोगों का नाश करिए, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। इस तरह से जो है जो औषधि जानी जाती हैं, एलोवेरा, नीम के पत्ते, हल्दी की गांठ या जायफल इत्यादि जो पूजा कहने का अर्थ है जो औषधि गुणों से युक्त तो होती हैं वह धन्वंतरी जी महाराज को समर्पित करनी होती हैं वह चीज़ें, तो इस तरह से आप सभी को रख देनी होगी, उन्हें भोग स्वरूप, भेंट स्वरूप समर्पित कर देनी होगी। अब बारी आती है भोग की, तो भोग में गणेश जी महाराज को आप जो मिष्ठान, खीर इत्यादि जो आपने बनाया है, जो भी आपके घर पर पकवान है या मावा मिश्री या सामान्य तौर पर बताशे भी भोग के रूप में लगाए जा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को यह दिखाने के बाद आप जो है इन्हें इनके स्थान पर रख सकते हैं। इस तरह से जो है सामान्य सी पूजा मैंने दिखाने समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले मैंने जो आप सभी को वीडियो दिया है वह है एक एक चीज को विस्तार से शास्त्रीय विधि में पूजा बताने की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दूंगी, आप जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरह से भोग लगाने के बाद अब साथ ही मौसमी फल इत्यादि का भी भोग गणेश जी महाराज को लगा देंगे, माँ लक्ष्मी इत्यादि को, सभी देवी देवताओं को लगा देंगे। और साथ ही जलपान कराने के लिए जल का लोटा भी यहाँ पर हम रख देंगे। भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दी जाती है, चाहे सोना चांदी या चांदी के बर्तन जो भी आप लाए हैं यहाँ पर विराजमान कर दीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर रुपया इत्यादि इस जगह पर आप सभी को भगवान जी को समर्पित कर देना होगा। इस तरह से जो है यह पूजा मानी जाती है साधारण सी, सामान्य तौर पर जो है धनतेरस के दिन की जाती है। निरंतर मुख
से भगवान जी का नाम स्मरण ध्यान इत्यादि करते हुए अपनी पूजा को संपन्न कीजिएगा। साथ ही आज के दिन विशेष रूप से अपने बही खाता इत्यादि का पूजन किया जाता है, अपने घर के गल्ले इत्यादि का भी पूजन किया जाता है, वह भी जो है आप सभी को बही खाता इत्यादि लगाकर पूजन कर लेना होगा। अपना जो गल्ला है उस पर भी जो है धूप दीप इत्यादि दिखाकर अपनी पूजा को संपन्न कर लें। अब करेंगे हम आरती। आरती आप चाहें तो दीपक से कर सकते हैं, नहीं तो कपूर से जो है अपनी आरती को संपन्न करिएगा। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए, आज त्रयोदशी है तो 13 दीपक घर के हर एक कोने में लगाने का प्रयास करें। इस तरह से धनतेरस की यह संपूर्ण पूजा विधि है जो मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया है। खिल बताशे का भोग जैसे आप देख पा रहे हैं, यह भी मैं पहले बताना भूल गई, तो आवश्यक रूप से लगाइएगा। इस तरह से यह संपूर्ण पूजा विधि है जो समझाने का मैंने प्रयास किया। वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे। जय माता दी।